हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक जो प्रोडक्ट लेके आई हूँ जिसके बारे में रिव्यू करने वाली हूँ, वो मेरे लिए न्यू है, मार्केट में न्यू नहीं है, काफ़ी टाइम से लॉन्च हो चुका है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा इसको मैं अभी, मैंने मेकअप तो रिमूव करना है, एज यू कैन सी मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप लगा हुआ है, तो मैंने कहा ये गुड टाइम है। मैंने इसको अभी ओपन भी नहीं किया, मैंने नाइका से ऑर्डर किया था। दैट इज़ दिस इज़ द प्रोडक्ट निविया मिसलर स्किन ब्रीथ मिसलर रोज वाटर। ओके, एज यू कैन सी रोज सॉरी मिसलर स्किन ब्रीथ मिसलर रोज वाटर फेस आईज लिप्स ऑल स्किन टाइप्स विद रोज वाटर रिमूव्स वाटर प्रूफ मेकअप टोन्स प्योरीफाइज एंड क्लेंस थ्रूली। तो ये आपकी स्किन को क्या करता है, क्लींस भी करता है, आपके मेकअप को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को ब्रीदेबल बनाता है बिकॉज इसमें है रोज वाटर। तो आपकी स्किन के ऊपर एक अच्छा सा ग्लो भी आता है, स्किन को क्लीन भी कर देता है, आपको मॉइस्चराइजिंग। जैसे अभी मौसम चल रहा है, वेदर इज़ वेरी ह्यूमिडिटेड, तो अभी तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो मॉइस्चराइजेशन की तो मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम थोड़े दिन मैंने मॉइस्चराइजेशन की अपनी स्किन की आफ्टर CTM में, तो मेरी तो स्किन हल्की हल्की ब्लैकिश सी होनी शुरू हो गई, तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया। अब मैं स्किन में सिर्फ अपनी क्लेंजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ, लेकिन वो विदाउट मॉइस्चराइजर, वो किसके साथ, या तो मैं अपने टोनर को या कोई फेस मिस्ट को अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लेती हूँ, या कोई अच्छी सी जेल फॉर्म में, जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ द फेस शॉप का विटामिन सी वाला फेस मॉइस्चराइजर, दैट इज़ वेरी गुड मस्ट है प्रोडक्ट, उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है बिकॉज अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसको फिर मैं बाद में रिव्यू कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है इस प्रोडक्ट को, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। निविया मिसलर स्किन ब्रीथ मिसलर रोज वाटर फर्स्ट जेंटली रिमूव्स वाटरप्रूफ मेकअप विदाउट रबिंग और रिंसिंग, सेकंड टोन्स एंड प्योरीफाइज स्किन विदाउट ड्राइंग इट आउट, थर्ड ट्रूली क्लेंस फॉर रिफ्रेशिंग क्लीन स्किन, एंड 94% ऑफ कंज्यूमर एग्रीज टेस्ट विद 140 कंज्यूमर्स इन 1 week। ओके, रिजल्ट योर फेस इज क्लीन सॉफ्ट स्मूथ विदाउट एनी विजिबल रेजिड्यू और ग्रीजी स्केलिंग स्किन फीलिंग। ओके, तो स्किन को फील कर अच्छा फील करवाता है, अच्छी से स्किन क्लीन हो जाती है आपकी, कोई ग्रीजीनेस नहीं रहती है, तो एंड फॉर हेल्दी लुकिंग स्किन दैट कैन ब्रीद। ओके, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एज इसका नाम जो सजेस्ट करता है कि स्किन ब्रीद, तो वो तो हमें उसी हिसाब से नेचुरली स्किन कंपेटिबिलिटी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड ऑप्थामोलॉजिकली अप्रूव्ड। ओके, आई डोंट नो ऑप्थामोलॉजिकली डर्मेटोलॉजिकली तो आई नो, बट ऑप्थामोलॉजिकली व्हाट इज दिस, गूगल कर लेना। ओके, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं एक्वा इसोप्रोपाइल पेलमिटेट डीकाप्राइल ईदर ग्लेजरीन। ओके, तो जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो आपके पढ़ के सुना देती हूँ। रोजा डेमेशिना फ्लावर वाटर पोटाशियम सॉर्बेट सोडियम बेंजोटेट सॉर्बिक एसिड बेंजाइल अल्कोहल लिनालोल। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक्चुअली इसमें जो जो इसके इंग्रेडिएंट्स है। एज यू कैन सी ओके, तो इस मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है, एंड और क्या बताऊँ मैं आपको इसकी शेल्फ लाइफ। ओके, तो इसकी शेल्फ लाइफ कहाँ पे लिखी है, तो ठीक है इसकी 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। ओके, तो गुड, और इसकी जो MRP है दैट इज 425। यू कैन सी इसकी MRP 425, लेकिन मैंने इसको नाइका से परचेज किया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिला, आई थिंक इस पर 100 rupees ऑफ मिले, मे बी, आई एम नॉट श्योर, कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स साथ में खरीदे थे ये वाले। ओके, तो इसके साथ मैंने जो एक और प्रोडक्ट खरीदा है वो है अभी अगेन फ्रॉम निविया मिसलर स्किन ब्रीथ मिसलर रोज वाटर वाइप्स। ओके, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि ये थोड़ा वाटरी टेक्सचर में है और ये वाइप्स में है। तो अभी मैं क्या करने वाली, इन दोनों का रिव्यू ऐसे ही दूंगी कि एक अपना हाफ ऑफ दी पार्ट ऑफ माय फेस मैं अपने मिसलर वाटर से क्लीन करूंगी और हाफ मैं अपने करूंगी वाइप्स के साथ ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड।
एज यू कैन सी मैंने मेरा मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया. मैंने ये वाला पार्ट किया है वाटर से, मिजलर ब्रीद रोज वाटर से, एंड ये वाला पार्ट किया मैंने मिजलर रोज वाटर वाइप से. तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रोडक्ट सेम है. वो तो ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होगा, लेकिन हाँ एक जो बेटर चीज़ ये है कि ये ट्रेवल फ्रेंडली है. अपने बैग में आप जैसे मर्जी डालो इसको और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको हल्की सी स्किन के ऊपर ऑयलीनेस लग रही है या फिर आपकी स्किन को अपने वॉश करना है बट आप वॉश नहीं कर सकते उस टाइम, तो आपकी स्किन को अच्छे से क्लेंज कर देंगे. और मुझे ना एक्चुअली एक मॉइस्चराइजेशन फील हो रहा है आफ्टर. जो मॉइस्चराइजेशन होती है ना वो एक्चुअल में फील हो रही है, मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि एकदम स्किन ड्राई हो गई है. मेरी स्किन एक्सेस में ऑयली है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं. लेकिन एक बात है कि इसकी जो MRP है दैट इज़ 250 रुपीज़ एंड इसमें 25 वाइप्स हैं. और इसकी जो MRP है दैट इज़ 425 रुपीज़ और इसमें 400 ml क्वांटिटी है. तो क्वांटिटी वाइज आई वुड प्रेफर दिस बिकॉज ये बिल्कुल ज़रा सा लगा है मैंने. एक ही एक दो कॉटन्स में लिया, एक आइज के लिए, लिप्स के लिए, और एक मैंने लिया पूरे फेस और नेक के लिए. तो ये वाइप मुझे भी वाइप्स भी दो ही लगे हैं, एक फेस के लिए और एक अपनी लिप्स के लिए, आइज के लिए. ओके, तो दोनों प्रोडक्ट 10/10 है. और रोज़ वाटर जिसमें होता है वो तो गर्मियों में चाहे सर्दियों में हमेशा ही वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है. और निविया का ये मच हाइप प्रोडक्ट है ऑल्सो दिस. तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट ट्राई करना है तो मैं तो फुली रिकमेंड करूँगी आपको ये प्रोडक्ट, आप ट्राई कर सकते हो. एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू आपको लगा कि ये थोड़ी सी वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को. एंड तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू.